दोस्तों ये रही सीढ़ियां और वो रही फिल्मों वाली मंदिर जिसे आपने हर पिक्चर में देखा। इसे देखने के लिए हमारे बीच नॉर्थ ईस्ट जलंगम से ये दो लोग आए हुए हैं। यस, और ये मैं हूँ। हेलो, इंडियन सुपरमैन जिनके नाम है क्रिश, उनकी जंप भी ऐसे ही होती है। ये जो हवा की जो उनकी ड्रेस उड़ रही है ना, ये पंखी से उड़ रही है, वरना कैसे उड़ेगी। दोस्तों पीछे कुछ प्लस मार्क्स आपको दिखाई देंगे। प्लस मार्क्स डीओपी के लिए हैं। डीओपी का मतलब होता है डायरेक्टरेट ऑफ फोटोग्राफी, यानी सिनेमेटोग्राफर, राइट। वो सेट करता है सीन को। केवल इतना सा पोर्शन रियल है, बाकी सारे पोर्शन को बाद में ऐड किया गया है ताकि थोड़ा ऑथेंटिक सा दिखाई देगा ना, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। ये दोस्तों एक बॉल है, बॉल को लेपर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इससे रिएक्शन शॉट निकल के आएगा ना, जब जिसमें बॉल गिरेगी ना, वो लेपर्ड के गिरने का दूसरी एक्शन देगा, राइट। एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग, रिएक्शन शॉट के लिए किया गया है। ये एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, एयरपोर्ट सिटी में आ जाता है तो सर ऐसे करते हैं, क्योंकि वहाँ करना मुश्किल है। वो प्लेस जो है वो सेंसिटिव होती है, कहीं कोई विवाद ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर करते हैं। पठान की जंप देखो, पठान कैसे जंप करता है। साहू फिल्म है, हेलीकॉप्टर निकली है। दोस्तों ये ना बुल जो आप देख रहे हो ना, सांड, ये तो फिल्म में भी नकली दिख रहा था, राइट, क्योंकि तब वहाँ की साइंस नहीं एडवांस नहीं थी। पीछे महेश्वर भी नकली है, तो सब देख सकते हो ना ये कैसे कर रहे हैं, राइट। ये सांड की ना एक हाइट देने के बीच में ग्रीन मैन को खड़ा किया है, ग्रीन मैन को, ताकि जंप करते पता चले कटप्पा ने क्या ऐसे मारा, किसको मारा, कब मारा। अरे कटप्पा को मार दिया है तो आउटडोर सीन को भी इंडोर करते हैं। ट्रेन देखो कैसे आएगी, ट्रेन थी नहीं, बस बोला गया उस पर ट्रेन आ रही है करके,
डबल फ्लोर ऐसे कर देते हैं, डबल फ्लोर ही बना देते हैं। मशीनी पहुंच गए पब्बे से और हमें उड़ा आ दिया, जय श्री राम हो गया इसका। तो दोस्तों ये जो साइंस है ना बहुत कॉमन हो गई है। क्यों कॉमन हो गई है? क्योंकि इसके बारे में हम अक्सर यूट्यूब में गूगल में देखते रहते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। हम जानते हैं ऐसे होता है मगर हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें उसकी विद्या हमें मालूम नहीं, सीखना पड़ता है। ये सब काम इस तरह के एडिटिंग रूम के अंदर किया जाता है जो आप देख रहे हो, राइट। लेकिन मैंने आपको बताया दोस्तों वो काम ना इंजीनियर्स करते हैं, वो इतना ईजी काम नहीं है। एक कोई दरवाजा खुल रहा है, दोस्तों मैं आपको बताऊं जो मैंने आवाज निकाली ना, ये आवाज इवेंट में चल सकती है, फिल्मों में नहीं चल सकती। क्योंकि फिल्मों में बहुत ऑथेंटिक आवाज चाहिए होती है। घोड़ा कभी 2 पांव से दौड़ता, घोड़ा 4 पांव से दौड़ता है। तो 4 किसी को पता था किसके बारे में? ये देखने के बाद फिल्में मत देखना है, फिल्में देखना बंद मत करना प्लीज। ये बारिश रिकॉर्ड की जाती है, जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे आपको फिल्म लेकिन दिखाई जाएगी फिल्म। इस तरह से ये पॉली साउंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। आप में से बहुत कम लोग इस साउंड के बारे में जानते होंगे, मगर हम ध्यान नहीं देते पर ये साउंड थैंक यू सो मच। जो भी है जैसा है मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा। पहला जो अपडेट है वो पेड सर्विसेज हमारे पास कुछ है उसके रिलेटेड है कि किसके लिए, मैं बता दूं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, चाहे वो सिंगर हो ना हो, जैसे हमने बोला हम आप यहाँ पे किसी को जज नहीं करते कि यार आप ठीक नहीं गा रहे हो तो आप रिकॉर्ड मत करिए। दिस इज फॉर दोस जिनको इन्हीं के जैसा एक्सपीरियंस लेना है और जैसी भी उनकी आवाज है उनको स्टूडियो एक्सपीरियंस करना है, प्लेबैक करके देखना है। तो हम बेसिकली कैरियोकी ट्रैक अवेलेबल करा कर देते हैं आपको। ये Thank you so much. Thanks a lot. Well, he tried his best.
Initially, our common people got frightened by it, considering it to be an elusive, demonic force. But soon in the hearts and minds of the public, such a magic of entertainment of cinema took place. That first motion film, named Raja Harishchandra, which was based on the biography of King Harishchandra, produced entirely by Dhondi Raj Govind Phalke ji, with Indian crew and cast. I am Dhondi Raj Govind Phalke from India. I want to make a motion picture. Again in 1933, a revolutionary filmmaker, Ardeshar Irani, gave voice to the still dumb screenplay from the film Alam Ara. And from the silent films era, Indian cinema progressed to talking films. The trend of song music gained momentum with sound technology. The goddess of vocals, Lata Mangeshkar ji, also made her debut as an actress. And on seeing this, great singer got the title of Bharat Ratna. The year 1940 to 1960 is called the golden age of Bollywood cinema. From 1960 to 1980, these actors entertained the audience a lot with their films. Then came a star who first got the title of superstar, Rajesh Khanna. The success that Rajesh Khanna got, neither in past nor future. Just did not get any artist. Comedians have made their special contribution in the success of films. These villains also garnered a lot of applause, abuses and whistles in the cinema houses. Along with them, many artists spread their magic on the silver screen. These actresses also enthralled the people with their art and style. In the late 80s and 90s, Aamir Khan, Salman Khan and Shah Rukh Khan once again attracted the audience to the cinema houses. During this period, Shah Rukh Khan was called the Badshah of Bollywood. Many artists set new records at the box office. Now, because you have come to the Bollywood Park, you are also a part of Bollywood now. Who knows that tomorrow, any one of you will shine as a star in the sky of cinema. As long as man lives, he will dream. And as long as someone dreams, the dream city means that our film industry will remain intact. Jai Hind. तो ये थी हमारी बॉलीवुड हिस्ट्री. वैसे आप सबको ये गाना तो वो पता होगा. हंसते हंसते कट जाए रास्ते. शाहरुख खान. यस मैम. How sweet of you. You're from where? Tunisia. Tunisia? Wow. You from? Tunisia. Wow. Hrithik Roshan? Yeah. You're from Hrithik Roshan? Yeah. Hello? You don't need to talk to me. Bete ko haath lagane se pehle. Pap se baat kar. और जब भी मैं भी विलन बनता हूं ना तो मेरे सामने कोई हीरो टिक नहीं पाता है. लव यू ऑल. वो साला कंधे पे अपने घर गया. कमाल करते हो यार. हम जाके रॉबिन हुड है. रॉबिन हुड पांडे, स्वागत तो करो हमारा. नेक्स्ट. उतरी किधर है? किधर है उतरी? ओ भाई ये तेरी नहीं मेरी है. जो तेरी वो मेरी है और जो मेरी है वो तेरी है. थैंक यू सो मच. ये हमारा गोला भी है. देख मजनू, भगवान का दिया सब कुछ है. दौलत है, शौहरत है, एक ऐसा भाई नहीं था जो भी मिल गया. ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, ये काली काली आंखें, गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल. देखा जो तुझे जानूं,
कहीं मुझसे ना सांदा आते भी थे दिलों लो नलों गलों में से पे कहीं मुझसे ना सांदा आते भी थे दिलों लो नलों गलों में से पे केंद्रम कहीं से पे नहीं 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 मैं सिर नहीं जन बॉय ओ पाहुई पेन वो मैं चलो मैं हुई पेन वो मैं चलो मैं बो नहीं कर मैं चलो मुझी भी तू ये हे नहीं संग कर मैं बो ना मैं बो ना ही कहीं नहीं बाल बाल जिंगे का दर्द I'm